आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले राज करने वाले डायनासोरों का अंत कैसे हुआ? आखिर कैसे इतने विशालकाय जीव का अंत हो गया? इनके अंत के बाद कैसे इंसानी प्रजाति ने जन्म लिया? यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ एक बड़ी छिपकली होता था, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है, और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी हो कि सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी हुआ करती थी। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था। शायद अगर यह विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा है, और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं वे सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था, उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह अपने आप में एक सोचने की बात है। बड़े विचित्र साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से
जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत न होता। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्ट्रॉइड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो शायद डायनासोर का अंत न होता। और यह एस्ट्रॉइड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। डायनासोर तब भी बच सकते थे अगर यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। यह एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियो को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकरा जाता है। और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का या
अब आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर गिरने लगे, बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया, जिसके कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वह इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्याओं में जीव मारे जा चुके थे, और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहां जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से, आखिर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए अब ये जानते हैं। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक